बड़ा सा लफ्ज है, कोना ठगवा नगरिया लूटन हो। कौन आया मेरे इस शरीर रूपी नगरी को लूटने के लिए, ऐसा उस पद का आशय है। कोना ठगवा ओ, कोना ठगवा नगरिया लूटन हो, कोना ठगवा हो। ए सखी, मेरी इस नगरिया को लूटने के लिए कौन आया है? त्याला उर्दू मध्ये फरिश्ते म्हणतात आणि आपल्या भाषेमध्ये यम म्हणतात। यम कोना ठगवा नगरिया लूटन हो, कोना ठगवा नगरिया। घूम के जाना पड़ता है, घूम के ओ थोरी सखी मोरी मांग सवारो, ओ थोरी सखी मोरी मांग सवारो, ओ थोरी सखी मोरी मांग सवारो। सखी मन के मैत्रीन, ए मैत्रीन, ए सखी, मेरे बालों को संवार दो, कोई मुझे लेने आए। ओ उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, उठोरी सखी मोरी मांग संवारो। क्यों दुल्हा मोते शरीर बोल रहा है दूसरे शरीर को, ए सखी मेरे शरीर को संवार दे, क्योंकि मेरा आत्मा रूपी जो मेरा पति है, मेरा दूल्हा है, वो मुझसे रूठ गया है। ओ थोरी सखी मोरी मांग संवारो, थोरी सखी मोरी मांग संवारो। दुल्हा मोपे ओपे दुल्हा लूटल हो, कोना ठगवा नगरिया लूटल हो, कोना ठगवा कोना ठगवा कोना ठगवा नगरिया लूटल हो, कोना ठगवा। नाचने वाला बहु बैठ गए, बड़ा अच्छा पद है, उसको एकाग्रता से सुनना चाहिए। उठोरी सखी मेरी मांग संवारो, मेरा आत्मा रूपी दूल्हा मुझ पर रूठ गया है। ये शरीर कहता है, वो जाना चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है। एक वाणी में भी इस शब्द को कहा है, छोड़ मत जा जो माने एक लीरे बन जा रहा, शरीर को कहा। आत्मा को ये शरीर कहता है कि चला मत जाना, छोड़ मत जा जो माने एक लीरे बन जा रहा, मैं चालू तुम्हारे साथ रे बन जा। ये शरीर कहता है कि मुझे संग ले चलना, मैं तुम्हारे साथ चलूं। छोड़ना चाहता है क्या शरीर? कोणाला वाटतं का कि माझा आत्मा निघून गेला पाहिजे आणि माझं शरीर इथे पटलं पाहिजे? नाही वाटत। डूंगर उपर डूंगरी रे बन जा रहा, मैं चढ़ चढ़ जाऊं सारी बात रे बन जा। हे आत्मदेवता, एक बार ये मानव शरीर मिला, पता नहीं दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं तेरी बात देखती रहूंगी और तू चला जा। सोनो जानी ने थारो संग कियो रे बन जा रहा, बड़ा अच्छा पॉइंट है। जाने वाला
मैंने क्या समझकर तेरा साथ दिया। शरीर और आत्मा इतना निगड़ित रहते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे फ्रेश साबुन लगाकर नहाना है, मुझे अपने अच्छे कपड़े पहनना है। आत्मा और शरीर बिल्कुल एक है, लेकिन एक नहीं है, एक दिन वो दो हो जाएगा। अंदर वाला चला जाएगा और बाहर वाला रहे। बड़ा अच्छा पॉइंट। सोनो जानी ने थारो संग की ओरे बन जा रहा, तू निकलो जात कथील रे बन जा रहा। ए आत्मा, मुझे लगा कि तू स्वर्ण है, सोना है, स्वर्ण समझकर मैंने तेरा साथ किया, लेकिन तू काय निकाला, कथील जर्मन निकला, जर्मन निकला। मला वाटलं सोन काया कैसी रोई तज दियो प्राण, तज दियो प्राण काया जद रोई, छोड़ चलो निर्मोही, मैं तो कहूं मेरे संग चलेगा, इस कारण मैं तने मलमल धोई, तज दियो प्राण काया कैसी रोई। जब अंतिम समय वो परिस्थिति आती है तो आंखों में अश्रु होते हैं, स्वजन बैठे रहते हैं, लगता है कि इनसे बात कर लूं, लेकिन उपाय नहीं चलता। कबीर साहब ने अपनी कुछ भाषा में, इलाहाबाद काशी के थे बनारस के कबीर साहब संत कबीर, बड़े निरामय निर्दोष संत, को न ठगवान गैया लूट लो, को न ठगवा आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, आए यमराज यमराज पलंग चढ़ी बैठे, चार यम आले आणि पलंगावर बसले, आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नयनन आंसू आंसू नयनन आंसू टूटल हो तो न ठगवान, कौन ठगने आया है मेरी इस नगरी को। आए यमराज पलंग चढ़ बैठे, नयनन आंसू छूटल हो, अब आंखों से अश्रु बहने लगे। किसी को लगता होगा बापूजी इतनी दुख भरी बात कहकर आप किसी का हौसला क्यों डाउन करते, अमरत्व की बात करा करो ना, अमरत्व अमरत्व की बात, मैं अमरत्व की ही बात करूं। जब कोई बीज मिटेगा तो ही वृक्ष होगा, अगर बीज नहीं मिटा तो वृक्ष हो ही नहीं सकता। एखाद्या बियाण्याला, एखाद्या बीजला, एखाद्या बीजाला, एक बीज को आप गरम तवे पर भून डालो और उसकी अंकुरित होने की क्षमता को मिटा डालो, फिर जमीन में डालो, बीज नहीं अंकुरित होगा, बीज नहीं उगेगा, क्योंकि उसकी कोम आने की जो जगह है आपने जला डाला। बीज अब पेड़ बनने से मुक्त हो, अब नहीं बने।
इसीलिए मनुष्य जन्म में अगर सत्कर्म करो तो भी उसके फल की आकांक्षा मत करो। क्यों? अगर फल की इच्छा करोगे तो पुण्य फल बनेगा, गलत कर्मों का पाप फल बनेगा, पाप फल दुख देने के ऊपर आएगा और पुण्य का फल सुख देगा। लेकिन सुख और दुख दोनों ही हथकड़ी है, बेड़ी है। पुण्य का फल की जो बेड़ी है वो स्वर्ण की बेड़ी है और पाप की जो बेड़ी है वो लोहे की। पुण्य भोगण्या साथी सुद्धा या मृत्यु लोकामध्ये जन्म घेवा लागणार आहे। पुण्य भोगण्या साथी सुद्धा महाराजांनी सांगितलं किती वेळा जन्म घ्यावे किती व्हावे पदी। अरे पांडुरंगा, अरे भगवंता, किती वेळा जन्म घ्यावे किती व्हावे फजित। पुनरूपी जन्मम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शरणम। बार बार कोई न कोई माँ ढूंढनी पड़ती है, इसलिए मुझे निर्मूल कर दे, मुझे अपने में समा ले। इसके लिए कर्मों के बीजों को जला देना। तो जो भी कुछ अच्छा करो उसमें इच्छा मत करो कि इसका रिटर्न ये आना चाहिए। करोगे तो आएगा और नहीं करोगे फिर भी आएगा, लेकिन इच्छा ही मत करो तो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन बैंक बैलेंस होगा। रिटर्न नहीं आएगा लेकिन बैलेंस होगा, क्योंकि करा हुआ बेकार जाता नहीं और करे बगैर कुछ मिलता नहीं और किया हुआ बेकार जाता नहीं। इस तरह सत्कर्म करो, अनअपेक्षा सुचिर दक्ष, अनअपेक्षा सुचिर दक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। लोग जरा सा फूल हार यहां मुझे देने आते हैं और फोटो वाले के लिए आते हैं कि अरे मुझे देखना मेरे पास आया है, कम से कम हार देने आया तो ईमानदारी तो दे दे। उधर भी सौदा धंधा, क्या करते हो, क्यों करते हो? कर ले रे भली कमाई, कर ले रे सुफल कमाई, भली कमाई कर ले रे सुफल कमाई, अच्छी कमाई कर ले, कर ले भली कमाई कर ले रे सुफल कमाई, कर ले रे भली कमाई कर ले रे सुफल कमाई, कर कद कद आनो गो, कर कद कद आनो गो, कर ले रे भली कमाई, कर ले रे भली कमाई, कर ले रे सुफल कमाई, कर ले रे भली कमाई, कर ले रे सुफल कमाई। ऐक प्राण्या तुला सांगितो उत्तम नर देही, एवढ्या मायेच्या बजार जगामध्ये आपला कोणी नाही। हा मायेचा जगत आहे, याच्यामध्ये आपलं कोणी नाही। मेला मेला म्हणून सुटली लढण्याची घाई, मांडल्या तीन गौऱ्या पाणी ठेवले लवलय, घातली अंघोळ कुठेच भिजली कुठे काही नाही, आणि शमशानामध्ये जाऊन पोहोचले तेथे कोणी नाही।
बाप रड़तो पैसा साठी पोटी पुत्र नाही, भाऊ रड़तो भावा साठी मला भूज नाही, बहीण रड़ते चोळी बांगडी अथरली बाई, आणि पत्नी बायको रड़ते तीन दिवस माझ्या दुसऱ्याच्या पायी। एवढ्या मायेच्या बाजार जगामध्ये इसलिए कर ले रे सुफल कमाई, कर ले रे भली कमाई, तेरो कब कब आनो होवेगो। कोई जरूरी नहीं है कि और आएंगे, क्या बात गए सुबह। इसलिए कबीर साहब ने जो कहा, को न ठगवा नगरिया लूटल हो, को न ठगवा चार जना यमराज चढ़ी बैठे, आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नयनन आसू नयनन आसू छूटल हो, को न ठगवा नगरिया छूटल हो, को न ठगवा यमराज आए, आंखों से अश्रु छूटने लगे, चार जना मिल हाथ उठाई, चार जने मिलकर उठाए कंधे पे, चार जना मिल हाथ उठाई, चहु दिस धो धो आग लगा दी है, चार जनों ने मिलकर आग लाऊं दिली, चहु दिस धो धो छूटल हो, कबीरा कहत कबीरा तुम भाई साधो, कहत कबीरा तुम भाई साधो, जग से नाता जग से नाता टूटल हो, न भगवान कोई सखी मोरी मांग सवारो, कोई सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोपे रूठल हो, ठगवान नगरिया रूठल हो, तुम ठगवान ठगवान नगरिया रूठल हो, तुम ठगवान। सियो हम सियो हम सियो हम सियो सियो हम सियो हम सियो सियो हम सियो हम सियो हम सियो हम। मैं अनपढ़ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक संप्रदाय का हूँ, मैं अमुक देश का हूँ, मैं इस उस देश का, ये सारी संकीर्णता छोड़कर हम ऋषियों की संतानें हैं, हम जगत गुरु के बालक हैं, हम परम गुरु के बच्चे हैं, हम भारत देश के वासी,
और इससे भी आगे, हम शिव, हम वह शिव मैं हूँ, मुझ में शिव है और शिव में मैं हूँ, गंगा में सागर है और सागर में गंगा है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, बहुत अच्छा भाव है। सूत्र है आद्य गुरु शंकराचार्य विरचित एक सूत्र। कौन है हम? शिवो हम, नच बोल, नच भूमि, नच व्योम भूमि, हाँ नच योम भूमि, भूमि भी नहीं हूं मैं, न चयोम भूमि, न तेजो प्रकाश भी नहीं हूं मैं, न वायु, वायु भी नहीं हूं मैं, फिर क्या हूं मैं? न तेजो वायु, न च ज्ञान नेत्रे, मैं नाक नहीं, कान नहीं, जीवा नहीं, फिर क्या हूं? सियो हम, सियो हम, सियो हम, चिदानंद रूपम, चिदानंद रूपम। मेरे प्यारे बंधु और माताएं, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, आप करते हो नित्य मेडिटेशन, नित्य ध्यान करते हो ईश्वर का, तो बहुत धन्यवाद, नहीं करते हो तो करने लग जाना, और फिर इस वृत्ति को याद करना, बहुत आनंद आएगा ध्यान करने का, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो बैठने का, अपने विषय का मैं चिंतन। शिवो हम, 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 चिदानंद रूपम, शिवो हम, शिवो चिदानंद रूपम, शिवो हम, शिवो हम। एकाग्र, एकाग्रता परम तपम, एकाग्रता से बड़ा कोई पुण्य नहीं, एकाग्रता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, एकाग्रता से बढ़कर कोई वर्ष नहीं, एकाग्रता से बढ़कर कोई दान नहीं, एकाग्रता से बढ़कर कोई भी प्राप्ति। एकाग्र कभी कभार होकर, क्या होगा एकाग्रता से? आप अपने ही ध्यान जगत में साधना के द्वारा गहराई में जाओगे, और गहराई में जाने के बाद एक अंधारा, एक अंधकार, फिर गहराई में, फिर एक शून्य, फिर गहराई में, फिर गहराई में जाते जाते आपको
लेकिन साफ सुथरा जीवन ले जाना पड़ेगा। हमारा खान पान, हमारे आचार विचार, सोच समझ, हमारे क्रियाक्रम, वो सब व्यवस्थित करते जाना। फिर क्या? स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा, मुझे लग रहा है कि कहना चाहिए आपको, फिर हम से वो हम में आ जाएंगे। कभी बिजली, कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे, कभी बिजली, कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे, कभी फिर ध्यान में भासे ब्रह्म ज्योति का उजियारा। अगर है आस ईश्वर की तो प्रभु का ध्यान कर प्यारा, अगर है आस मिलने की तो प्रभु का ध्यान कर प्यारा। अनेश्वर महाराज अन्ना विष्णु अवतार चुनता असे संत असे रामदेव जी, रामदेव जी 600 बरस पहले अभी जैसलमेर जिला जोधपुर से 200 बरस पोकरण परीक्षण जहां हुआ परमाणु उसके पास में एक अवतार हुआ। बहुत सारे उस समय बहुत ज्यादा भेदभाव था, और मैं तो धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र को कि महाराष्ट्र में ये संकीर्ण विचारधाराएं बहुत पहले मिटाई गई, क्योंकि महाराष्ट्र की एक प्रचलित परंपरा 700 बरस पुरानी वारकरी संप्रदाय, और वारकरी संप्रदाय में संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज के बाद हर समाज के संत उसमें आए। संकीर्णता मिटाई गई, संत तुकोबा, संत एकनाथ, संत सावता माली, संत नरहरि सोनार, संत गोरोबा कुंभार, संत जना, संत नामदेव, संत चांगदेव, विशोबा खेचर, काय सांगू या देवाची मात झाला महात पंढरीनाथ, काय सांगू या देवाची मात झाला महात पंढरीनाथ, काय सांगू या देवाची मात झाला महात पंढरीनाथ, ओ झाला महात पंढरीनाथ, मिस गाईड करून समाजाला तोडणारे लोक त्यांनी हे उदाहरण दिले पाहिजे की परमेश्वराला जात पात नसते, सगळी लेकर परमेश्वराची आहे, आणि दामाजीसाठी भगवान दामाजी झाले। तर महाराष्ट्राची धन्यभूमी इथे हे संकीर्णता मिटवली गेली। आजही कुठे कुठे ऐकण्यात येतं की बापू अमुक अमुक असे असे काही काही थोडे असे ठिकाण आहे की तिथे काही लोक संकीर्ण भावना ठेवतात, पण मी त्यांनाही प्रार्थना करेल काढून टाका मनातलं सर्व आणि सर्वी परमेश्वराची लेकर। तसेच 600 वर्षापूर्वी भगवान रामदेवजी महाराज अजमल जी नाम के राजा के घर जो प्रकट हुए, उनका प्रकट होने का भी एक अनोखा तरीका है। भक्त द्वारकाधीश के भक्त अजमल जी महाराज द्वारका जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी वय हो गई, मुझे कोई संतान नहीं है, कुछ तो दया करो। भगवान की मूर्ति से आवाज नहीं आता तो हाथ में एक मेथी का लड्डू था जो रानी साहब ने बांध के दी,
वो पत्थर की मूर्ति भगवान द्वारका देव की, उस पर वो लड्डू की चोट मार देते हैं और कहते हैं कि ऐसा भगवान चाहिए मुझे जो मुझसे चर्चा करे, बात करे। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, 12 बरस हो गए द्वारकाधीश आपकी सेवा करते करते। पुजारी को लगा कि ये कोई पागल राजा है, राजा है लेकिन दिमाग खराब हो गया है, भगवान तो सामने बात कर रहा है और उस लड्डू की चोट मार दी भगवान के सिर पर। उसको लगा कि ये दिमाग खराब हो गया है, इसका इसको अलग हटाना पड़ेगा। कहते महाराज मुझसे बात कीजिए, क्या चाहिए आपको? पुजारी ने कहा, महाराज ने कहा, माने द्वारका दूसरो दर्शन चाहिए, मैं घनी दूर से आयोड़ा हूं और मैंने द्वारकाधीश रो आशीष रो बाता करना चाहूं द्वारका। पुजारी को लगा परफेक्ट बात है, पागल। पुजारी ने कहा ठीक है। पुजारी को लगा कि इसका फंद हटा देना चाहिए, पूजा बेट द्वारका की बात है, ये द्वारके मध्ये समुद्रामध्ये जो बेट आहे छोटासा, आणि त्या बेटावरती जी द्वारका वसलेली, भगवंताने वसवलेली होती ती द्वारका, त्याला बेट द्वारका, नंतर त्याला भेट द्वारका म्हणतो आपण ग्रंथ। बेट द्वारका चारों तरफ पानी। पुजारी ने कहा कि आइए मैं आपको दिखाऊं अपनी बात है, दूसरों को पता नहीं, पुजारी हूं ना मैं, इसलिए मैं दिखाऊंगा भगवान कहां है। ये तो भगवान की मूर्ति है, मंदिर है, आपको असली भगवान चाहिए ना? बोले हाँ। किधर? और किनारे ले गया, गाँव छोड़ा मारवाड़ी में। गर्मी घनी पड़े रे बिरा, गर्मी का समय है इसलिए अंडरग्राउंड पानी में एयर कंडीशन महल बना हुआ है अंदर, भगवान बहुत बड़ी चीज है ना, इसलिए अंदर में रास्ता बाहर वालों को दिखता नहीं, आप छलांग लगाओ अंदर। खोटे बोलते है, झूठ बोल रहा है पुजारी, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। गर्मी घनी पड़ रे अजमल सागरिया में सो, ओ गर्मी घनी पड़ रे अजमल समदरिया में सो, ठंडी ठंडी लहरा चढ़ते आवे जियो, गर्मी घनी पड़ रे अजमल समदरिया में सो। मारीवाड़ी धावे धंगे गुजरात धावे, मारीवाड़ी धावे बाबा गुजरात धावे, रनुच में खम्मार खम्मार आवे रे जियो, धावे बाबा गुजरात धावे, रनुच में खम्मार खम्मार आवे जियो। अजमाल जी राम देवता श्री राम देवता भी रानी ने कलरो फरकार मारो, हेलो हरे हरे मारो, हेलो सुनो जी रामा की हो जीरो मारो, हेलो सुनो जी रामा की हरे हरे मारो, हेलो जी रामा की होली लोली लो भोट लो रे हाथ माई पे, लोली लो भोट लो रे हाथ माई पे, रामदेव चढ़ी हो रे बारी वारी बेल मारो, हेलो हर हारे मारो, हेलो सुनो जी रामा की भोटियो मारो, हेलो सुनो जी रामा की। मैं इसका अर्थ बताऊंगा आपको, बड़ा अच्छा।
थोड़ा राजस्थानी हो। रूणी तेरा राजा अजमाल जीरा बेटा श्री राम तेरा पीर रानी ने तलर भर पार मारो हेलो हर हारे मारो हेलो सुनो जी रामा बाबा रे मारो हेलो सुनो जी रामा एक महेश्वरी समाज का दंपत्ति जोड़ा बानिया बनियानी बनिया और बनियानी यात्रा में जा रहे थे और बीच में चोरों ने उनको लूट लिया और उसका कत्लेआम कर दिया। सेठ जी का सेठानी अकेले जंगल में रुदन करने लगे। लीलो लीलो घोड़ियों ने हाथ मायू से रामा फिर कड़ी और बाणियारी बेल मारो हेलो ओके मारो हेलो सुनो जी रामा हरे हारे मारो हेलो सुनो जी रामा भगवान रामदेव जी बनियानी की पुकार सुनकर प्रकट हो गए। एक नीले घोड़े के ऊपर सवार है और कहते हैं ठीक है चोरों को आवाज दिया है। अरे वो भोरे रे चोर का भागो कछे जा कहाँ भाग के जाओगे भगवान रामदेव जी। वो भोरे रे चोर का भागो कछे जा अरे पानी आ रहा माल बेटा कितना भगवान रामदेव जी चोरों को आवाज देते हैं। कथा आती है भगवान दयालु है लेकिन जब भाग रहे थे उनको रोकने के लिए एक लीला की। अरे आंख तीनी आंगली काया में तीनी को अरे तो करे रे चोर तो धनी की वो तो चोर मारो हेलो आजी मारो हेलो सुनो जी रामा कर प्रणाम किया। प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने उनकी रक्षा की उन्हें कहा आज से ऐसा नहीं करना और रिटर्न आकर बनियानी को कहा कि तू ये सर और ये धड़ कटा हुआ जोड़ दे। उठिए बनियानी धन सुमा को बनियानी की घर सुना तो दो छोड़ के गया पानी आने का तो लाल फोर मारो हेलो अरे मारो हेलो सुनो जीरा माफी अरे मारो हेलो सुनो जीरा माफी मारो हेलो सुनो जीरा माफी। बनिया को जीवन दान देते भगवान रामदेव जी महाराज।
हरेक समाज के प्रेमियों को कहीं न कहीं ऐसा संकल्प से एक साक्षात्कार देते हैं और उसके बाद सारे समूहों को जोड़ते हैं। पांच पीर मक्का मदीने से आए और भगवान रामदेव जी उनको शहर के बाहर ही एक घोड़े के पास अपना घोड़ा है और खड़े रहकर मिले। पांच पीरों ने कहा कि हुकुम, हम आए हैं बड़ी दूर से, सुना है कोई रामदेव पीर हिंदुओं में कोई एक महान अवतार हुआ है, उन्हें देखने के लिए आए। बाबा रामदेव जी ने कहा ठीक है, मिल लेना, लेकिन बैठो। घोड़े के जीन को उतार कर नीचे बिछाई, उस पे दो ही लोगों को बैठने की क्षमता थी। पीरों ने कहा कि हजूर, हम इस पर सब नहीं बैठ सकते और तीन लोग नीचे नहीं बैठेंगे, इसलिए खड़े ही ठीक। बाबा ने कहा बैठिए बैठिए। जब बैठे तो वो बढ़ जाता है। बाद में पांच पीरों ने कहा हमें पानी चाहिए, प्यास लगी है, मुख धोना है। तो उधर रेगिस्तान है, अपने ही लीला से पानी प्रकट हो जाता है। पीरों को लगा कि यही वो रामदेव जी होना चाहिए जो इस तरह की लीला कर रहे। तो पीरों ने भी दातुन की है और वो दातुन को तुरंत वहां लगा दिया है और उसके पौधे तैयार हो गए। पांच पीरों का अभी भी उधर वो पेड़ उस जगह होते। इस तरह के बहुत सारी बात। लाखा नाम का बंजारा अपने बालदों में माल भर के और बेचने के लिए मिश्री शकर, खड़ी शकर भर के जैसलमेर की तरफ जा रहा। बाबा रास्ते में आ गए और उन्होंने कहा छह सौ बरस पुराने बीड़ जा रो रे बीराम हरा कथी ने सुहाया। कहां से आए हो? हरी बाल दड़ी में कांगरे माल आयो जियो बीड़ जा रहा रे बीरारे बालकड़ी में कांगरे मार आयो जियो खम्मा खम्मा रे रणु के राजा। मैं थोड़े थोड़ा इशारा दे सकता हूँ, ज्यादा समय नहीं है। पांचों पीरों को भगवान घर पर लाते हैं, आग्रह करते हैं आप भोजन कीजिए। पांचों पीर भोजन के लिए बैठे और एकदम से बोले रामदेव जी, हम अपने ही कटोरे में भोजन करते हैं और वो भूल कर आ गए हैं। हम दूसरे इसमें कटोरे में भोजन ताल में नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि अरे पीरासा, आप तो गुरु की जगह है। पीर का अर्थ होता है गुरु, तो आप क्या भेदभाव जात पात? बोले नहीं नहीं, जात पात की बात नहीं है रामदेव जी, लेकिन हम हमारा नियम है। बाबा ने कहा ठीक है, अब भोजन पर बैठ ही गए तो अब आप भूखे कैसे उठोगे? ठीक है, ईश्वर की इच्छा। बैठा बैठा रामदेव भुजा पसारिया और मक्का सू कटोरा मंगाया, ऐसा हाथ किया है और पांचों कटोरे आ गए, पीरों का स्वागत किया। पांचों पीरों ने जग प्रसिद्ध बात, अभी भी समाधि उधर ही, उन्होंने कहा पीरोरा पीर थाने रामा पीर कैसे, आप हमसे भी बड़े सतगुरु। बिलजारे को पूछा है कि बालक में क्या भरा है। अभी वो धंधा बिजनेस करने वाला व्यक्ति बड़ा चतुर, उसने कहा अगर मिश्री कहता हूं तो टैक्स लागू हो जाएगा क्योंकि दूसरे की बॉर्डर है। तो चालाक से लाखा सेठ ने कहा कंवर सा, सामरिया सुनून भरी लायो मारा बाप, सामरिया सुनून भरी लायो मारा बाप जी।
भगवान रामदेव जी बाबा के जो दिल से भक्त है, हर एक भक्त को उनकी परिचिति आती है, इतना एक सिद्ध परंपरा का वो। जैसा संत ज्ञानेश्वर महाराज नाथ परंपरा से है, ऐसे ही बाबा रामदेव जी महाराज नाथ परंपरा से, बालक नाथ जी महाराज के शिष्य और सारे सिद्धियों के सरकार। लाखा सेठ ने कहा कि मैं ये बालद लाया हूं, इसमें लून भरियो है बाप जी, साई भरियो है, लून भरियो है, अठे सामरिया सु लून भरने लायो हूं, आपरा देश में बेचने रे खातिर आए, बीजी कोई वस्तु नहीं है, लून भरियो है। भगवान हंसे, कहते कोई बात नहीं, जेड़ी थारी भावना रे वेड़ो फलता, जेड़ी थारी भावना रे वेड़ो फलता, बरनी रा पाछे पछतावे जी रामा, बरनी रे पाछे पछतावे जी रामा, अज माल जी रा कवरा कम्मा कम्मा हो रामा रोमी तेरा धनिया, साने मनावे बाबा मुस्कुराए और कहते अरे भाई बिंजारा लाखा सेठ, लाखा सेठ बड़ा माना हुआ व्यक्ति, जब आप ही यूं बोल दिया हो तो कोई बात नहीं, जेड़ी सारी भावना। बाबा ने कहा ठीक है आपकी देश जाइए, ले बालद बिंजारो चालो गढ़ पोकण रे माई, होल बालद ने देखन लाजो लून भरियो बालद ना। कथा आती है बंधे हुए लोग, बड़े बड़े होलसेल वाला मामला था, तो सेठ के यहाँ जब सारा माल उतरने लगा, सेठ ने देखा कि मिस्त्री कैसी है, तो दिखने में तो मिस्त्री थी लेकिन हो गया था नमक, जब नमक हो गया इतना बड़ा माल जब नमक हो गया मिस्त्री, तो उसका ज्ञान निकल गई और पिंजारा लाखा सेठ कूद कूद कर रोने लगा। उनके व्यापारी सेठ जी ने कहा कि काहे हो गयो, हे मिस्री लाया हाँ लून की कर। बोले सेठा मार्ग में मिलिया माने एक लीले घोड़े वालो, मने पूछियो तो हूं लून बतायो, दूसरी कोई गलती नहीं हुई है। यहीं कुछ दूरी के ऊपर रामदोरा नगर के बाहर एक नीला सा घोड़ा और एक राजकुमार, उन्होंने पूछा कि काई भरियो है सेठा बालद माई, तो मैं सोचियो कि बीजी बॉर्डर है और मैं अगर कहूं कि मिश्री भरियोडी है तो मैं जानियो कि टैक्स लग जावे लो, और टैक्स बचावाने रे खातिर मैं झूठ बोलियो, और बोलियो लून भरियो। बोले ऐसा बोल दिया, नमक भरा है ऐसा कह दिया, बोले मर गया। अरे सेठ जी लाखा जी, जरूर आज आपकी मुलाकात उस महापुरुष से, उस अवतारी पुरुष भगवान रामदेव जी से हो गई है, वो ही यदा कदा ऐसी लीला करा करते हैं अजमल जी महाराज के। लाखा सेठ फूट फूट के रोने लगा, अब क्या उपाय? बोले कोई उपाय नहीं, वो तो भगवान का स्वरूप है, दौड़ कर जाओ उनके चरणों में गिर जाओ और कबूल कर लो कि ये गलती है। लाखा सेठ की पागड़ी, पैरों में मोचड़ियां राजस्थानी, बारा बंडी धोती पहनी है, बहुत बड़ा व्यापारी है। जब पहले लोग कुछ शरणागति करते थे बड़ों के सामने,
अगर माफी मांगते थे तो उनकी परंपरा थी कि वो पगड़ी उतार कर उनके चरणों में रख देते, मुझे माफ, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी इज्जत आपके चरणों। पाव उबानो माथा मूंद लो दूर्यारणु थे जाओ माता मीणा देहलो पाड़ियो पाव अलवाणो बीरा माथा मूंद लो दौड़िया दौड़िया रणु से जावे। और लाखा सेठ रामदेव रे पहुंचे, भगवान के दरबार में गए, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। मां ने देखा रानी मैणा दे ये बिन जारो बेटा रो तोरे आयो लाखा बिन जारो बेटा रो तोरे आयो इन रो रे ताई माल ल्यायो जी कोरा इन रो रे रणु तेरा राजा सारी लीला न्यारी अजमल दा सौरा सारी लीला न्यारी ए मने आवे रे असम मां ने आवाज लगाया रामदेव बेटा रामदेव। भगवान आए महल से बाहर, काई बात है मां साहब, ये लाखा सेठ रोता आया, ये कृष्ण का अवतार है और ये कुछ ना कुछ खोड़ी कर देता है गड़बड़ी, इसका क्या बिगाड़ दिया, कुछ ना कुछ करते रहता है आए दिन। लाखा सेठ की तरफ दृष्टि पड़ी और लाखा सेठ ने दंडवत प्रणाम किया, बाबा के चरणों में दंड की तरह लेट गया और भगवान मने माफ करो, हे अन्नदाता, हे धनिया, हे द्वारकाधीश, मने माफ करो प्रभु। इस तरह दंड की तरह गिर गए है। बाबा रामदेव जी ने कहा जा रे बन जा रहा सारी मिस्री हो गए जा रे सेठा जी सारी मिस्री अब तेरे झूठ मस्ती बोलो जी रे रामा अब तेरे झूठ मस्ती बोलो जी अजमाल जी तोरा इसी तरह भगवान रामदेव जी ने अपने 50 वर्ष के जीवन काल में 50-51 वर्ष की आयु तक ही रहे, फिर जीवंत समाधि ले ली। उसमें अनेक धर्म और समुदाय के लोगों को भगवान ने एक इन शिक्षा में इसके द्वारा कभी कभार कोई महिमा के द्वारा सबको जोड़ा और राजस्थान का सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भगवान रामदेव जी ने लाया। और आज भी राजस्थान के लोग हिंदुस्तान में हो या अन्य देशों में हो वो बाबा को ही मानते हैं क्योंकि एक अलबेला अवतार है। जैसे भगवान पांडुरंग है, जैसे ये अलग अलग महिमा हमारी देश की तो महिमा ही अलग है महाराज, तो इसीलिए ये सारा सब कुछ है। और आज के कार्यक्रम में बस यही शुभकामना करूंगा कि आपने बहुत अच्छे से ईश्वर के चिंतन को महत्व दिया, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और बस सारे इशारे सारे सूत्र सारी चर्चाएं सारी हमारी भावनाएं आप ठीक ठीक जान गए होंगे ऐसा मुझे लगता है।